दिनों दिन बढ़ते प्रचार प्रसार और उपयोग की वजह से अब किसानों का रुझान डकवीड की खेती की तरफ बढ़ रहा है। अब बात आती है इसकी खेती की, तो सबसे पहले बात करेंगे जलवायु की। रेगिस्तान और बर्फीले क्षेत्रों को छोड़ दें तो डकवीड का पौधा सभी जगह पर उगाया जा सकता है, लेकिन उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहां तापमान 15 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो, वहां पर यह सबसे अच्छा पनपता है। पानी की बात करें तो पानी का पीएच मान 6.5 से 7.5 हो तो डकवीड बहुत तेजी से बढ़ता है। लिटमस पेपर की मदद से पानी का पीएच स्तर पता कर लें, और इसके लिए क्या करना है ये भी देख लीजिए। लिटमस पेपर को पानी में डुबोएं। यदि कागज का रंग लाल हो जाए तो इसका मतलब है कि पानी अम्लीय है, और अगर नीला हो जाए तो समझ लें कि पानी क्षारीय है। लेकिन अगर गहरे पीले रंग का या फिर चूने जैसे रंग का हो जाए तो समझ लें कि पानी बिल्कुल आपकी जरूरत के मुताबिक है। अम्लीय पानी को ठीक करने के लिए इसमें खाने का सोडा मिलाया जा सकता है, जबकि क्षारीय पानी को ठीक करने के लिए पानी में सिरका या गंधक का तेजाब डालें। कहां से लें इसकी पौध ये भी जानना जरूरी है, तो किसी भी तालाब से इसके छोटे छोटे पौधे आप इकट्ठे कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी पौध आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। यदि आप पौधे तालाब से लेकर के आ रहे हैं तो बेहद जरूरी है कि आप उन्हें उपचारित कर लें, और इसे उपचारित करने के लिए लगभग 50 लीटर पानी में 1 चम्मच पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल दवा डालकर घोल बना लें। अब इस घोल में डकवीड को 30 सेकंड के लिए रखकर निकाल लें। कितनी मात्रा चाहिए होगी पौध की ये भी देख लेते हैं। 1 हेक्टेयर तालाब में लगभग 5 किलो पौधे पर्याप्त रहते हैं। घरों में उगाने के लिए 30 से 36 सेंटीमीटर गहराई वाली ट्रे में 50 से 100 पौधे ही काफी रहते हैं। अब जैसा कि हमने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया है कि डकवीड प्राकृतिक रूप से गंदे ठहरे हुए और सीवेज के पानी पर अपने आप ही उग जाती है, लेकिन अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो यहाँ हम आपको बता दें कि खुले में तालाब बनाकर तो इसकी खेती कर ही सकते हैं। इसके अलावा डकवीड की संरक्षित खेती भी की जाती है। पहले बात करते हैं संरक्षित खेती की। डकवीड को ट्रे में लगा सकते हैं, मल्टी लेवल कंपार्टमेंट्स बनाकर भी इसकी खेती कर सकते हैं, या छोटे टैंक बनाकर इसे वहां पर भी लगाया जा सकता है। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि ये मीठे पानी की वनस्पति है, तो नदी, तालाब या नल, जो भी पानी उपलब्ध हो उससे ट्रे को 6 से 8 इंच पानी से भर लें। इसमें डकवीड के पौधे डाल दें। ट्रे को ऐसे स्थान पर रखें जहां हर दिन 10 घंटे की धूप इसे मिल सके, लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो और 10 घंटे की धूप नहीं लग सकती है तो इसके लिए आप फ्लोरोसेंट प्रकाश बल्ब का उपयोग भी कर सकते हैं। बल्ब को ट्रे के 15 इंच ऊपर रखें। ट्रे को हर दिन चेक करें और मृत पौधों को हटा दें। सप्ताह में एक बार ट्रे का पानी बदल दें। 10 दिन में डकवीड निकालने लायक हो जाएंगी, तो छोटे जाल या छन्नी आदि की मदद से आप इसे निकाल लें। आप चाहें तो इस पौध को अन्य स्थान पर डकवीड उगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मवेशियों को खिला सकते हैं, या फिर अपने भोजन का हिस्सा भी बना सकते हैं। इसे धनिये की पत्ती के स्थान पर सब्जी या दाल में डालें, सलाद के रूप में खाएं, या फिर इसे आटे में मिलाकर रोटी बना सकते हैं। इसके अलावा भी इससे बहुत से व्यंजन बनाए जा सकते हैं। खुले क्षेत्र में डकवीड लगाना चाहते हैं तो देख लें कि आपके आसपास कोई तालाब है या नहीं, और यदि आपके पास तालाब पहले से नहीं है तो 3 फीट गहरा गड्ढा बना लें। इसकी लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से रखी जा सकती है। इसकी निचली सतह पर पॉलिथीन बिछा लें या इस तरह की पक्की होदी भी बना सकते हैं। पानी में क्लोरीन हटाने के लिए कोई डिक्लोरिनेटर लगाएं। इसके बाद इसमें डकवीड की पौध डाल दें। 10 से 15 दिन में इसकी उपज तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी मार्केटिंग की। तो डकवीड की खेती भारत में प्रोफेशनल तरीके से नहीं हो रही है। लोग अपने पशु चारे के रूप में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मछली, पोल्ट्री, फिशरी में फीड के रूप में दिया जा सकता है। आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, इसका भोजन के रूप में उपयोग हो रहा है। बाजार में डकवीड पाउडर के रूप में भी उपलब्ध है, तो आप ऐसी कंपनियों की तलाश करें जो इसका पाउडर बनाने का काम करती हैं। आप उनको सीधे बेच सकते हैं। डकवीड की खेती का जो विषय है वो एकदम नया है। ये जानकारी किसानों को नई दिशा देने के मकसद से दी गई है, और हमें उम्मीद है कि आपको ये जरूर पसंद आई होगी। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।
अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं।